गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 45 सॉल्व करेंगे। तो आज के टॉपिक में है फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल एनिमल ग्रो एट द सेम स्पीड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सभी एनिमल्स होते हैं, सभी जानवर, क्या वो एक सेम स्पीड में, मतलब समान रफ्तार में वो बढ़ते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ की स्पीड जो होती है क्या सेम रहती है। तो नो, ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड। ठीक है ना, सभी एनिमल की जो ग्रोथ होती है, ग्रो होने का जो स्पीड है वो सेम नहीं होती है। तो यहाँ इसमें आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है ना, तो मैं इसका आंसर लिखे दे रहा हूँ, कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये मैंने आंसर लिख दिया है, नो ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हेन, अ काउ, अ बर्ड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे डिस्कस करना है ग्रोथ, किनकी किनकी डिस्कस करना है, एक मुर्गी, एक गाय, एक चिड़िया। ठीक है ना, अ हेन, अ काउ, अ बर्ड। ठीक है ना, इनकी ग्रोथ में डिस्कस करना है, मतलब ये पता करना है कि कौन के इनकी ग्रोथ किसकी जल्दी होती है, किसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, किसकी स्पीड स्लो रहती है। ठीक है ना, अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो जो हेन होती है, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। ठीक है ना, और काऊ, काऊ की भी स्लो रहती है, काऊ की क्या होती है, स्लो होती है। बर्ड मतलब, और चिड़िया की, चिड़िया की सबसे तेज होती है। यहाँ पे जो सबसे तेज ग्रो करने वाली कौन है, एक बर्ड, मतलब बर्ड की ग्रोथ क्या बहुत तेज होती है, उसका बेबी बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हेन आएगा। ठीक है ना, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा काऊ। ठीक है ना, तो इनका क्रम आपको लिख देना है, ग्रोथ ऑफ दीज, ठीक है ना, थ्री आर इन फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में ये ग्रो करते हैं, सबसे पहले बर्ड, फिर अहन एंड अ काऊ। तो मैं इनका आंसर लिख देता हूँ, वैसे आप उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने आंसर लिख दिए, ग्रोथ ऑफ दीज थ्री एनिमल्स आर फॉलोइंग ऑर्डर, अ बर्ड, अ हेन, अ काउ। ठीक है ना, पहले बर्ड का, फिर हेन का, फिर काउ का, इस तरीके से ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ड्रा पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल्स। अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है उनके बेबी एनिमल की और बिग एनिमल्स की। ठीक है ना, जित मतलब कोई भी एनिमल है, उनके बेबी एनिमल्स की, उनके साथ में आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, कैसे ड्रॉ करनी है, मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ, ऐसे आप इनको ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ हैं बेबी एनिमल्स की और बिग एनिमल्स की, जैसे कि काऊ। ठीक है ना, काऊ का बेबी एनिमल क्या होता है, काव। ठीक है ना, पिग, पिग का बेबी एनिमल क्या होता है, पिगलेट। ठीक है ना, इस तरीके क्या है, सीप, सीप का भी जो बेबी एनिमल्स क्या होता है, लैम। इसे गोट, गोट का भी लैम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको उनके कुछ मतलब एनिमल्स, उनके बेबी एनिमल्स आपको ड्रॉ करने हैं। मैं कुछ और पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं लिखना चाहे तो आप। तो यहाँ पर बहुत सारे बेबी एनिमल्स, ठीक है ना, उनके पेरेंट्स मतलब बिग एनिमल दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से भी आपको तीन चार ऐसे आपको ड्रॉ करने हैं, ज़्यादा नहीं ड्रॉ करने हैं, तीन या चार, मतलब थ्री या फोर एनिमल्स और उनके बेबी एनिमल्स को ड्रॉ करने हैं। जैसे बियर का कब, कैट का किटन, चिकन का चिक, काऊ का काफ, डियर का फॉन, डॉग का पपी, डक का डकलिंग, गोस का गोसलिंग, हॉर्स का फॉल, कंगारू का जॉय। ठीक है ना, इस तरीके से ये पिगलेट, ये जितने हैं सब दिए हुए हैं आपको, आपको इनमें से कोई थ्री या फोर एनिमल्स और उनके बेबी एनिमल्स ही ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं जो फोटोग्राफ के लिए पोज दे रहे हैं, और किनके हैं, ग्रैंड फादर्स के हैं। किसके किसके ग्रैंड फादर हैं, तो सबसे पहले एलिफेंट अपूज ग्रैंड फादर। एलिफेंट में अपूज के ग्रैंड फादर हैं, जिनकी एज कितनी है, 95 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, ये अप्पू के ग्रैंड फादर हैं जो एलिफेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर चुच्चू हैं रैट्स ग्रैंड फादर, मतलब यहाँ पे रैट के ग्रैंड फादर दी हुई हैं, जिनकी एज कितनी है, 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, यहाँ 95 ईयर है, ये 2 ईयर्स ओल्ड है। फिर इसके बाद रानीज ग्रैंड फादर, जो रानी के ग्रैंड फादर हैं,
उनकी एज कितनी हुई है, 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके यहाँ पे तीन ग्रैंडफादर दिए हैं, एलिफेंट के, रैट के और रानी के, ठीक है ना, मतलब ह्यूमन के। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनको हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन था, हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, मतलब तीनों में सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे बूढ़े, मतलब ठीक है ना, जिनकी सबसे ज्यादा उम्र है वो कौन है। देखिए, तो अपूज ग्रैंडफादर जिनकी एज कितनी है, 95 ईयर्स, ठीक है ना। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन है यहाँ पे, अपूज के, ठीक है ना। तो 95 है, और रानी कितनी, 70 है, ठीक है ना। चुच्चू के रेड फादर कितने, 2 ईयर्स ओल्ड। तो देखने में आपको जो रानीज के ग्रैंडफादर हैं वो क्या लगेंगे, ओल्डर लगेंगे, लेकिन रियल में कौन है ओल्डर, अपूज के ग्रैंडफादर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना, अपूज ग्रैंडफादर लुक्स ओल्डेस्ट टू मी, ठीक है, या ओल्डेस्ट, ठीक है ना, जैसे आपको सुविधा। तो रियल वाले लिखना है तो रियल वाले, और जो महसूस हो तो वाले, तो आप रियल ही लिखो, क्योंकि अपूज के ग्रैंड फादर की एज ज्यादा है, इसलिए रियल ही आप इसका आंसर लिख देना। मैं कैसे लिखना है आपको लिख कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, अपूज ग्रैंड फादर ओल्डेस्ट, जो अपूज के ग्रैंड फादर है ओल्डेस्ट है, सबसे उनकी ज्यादा है, बट रानीज ग्रैंड फादर लुक्स ओल्डेस्ट टू मी, लेकिन यहाँ पर जो रानीज के ग्रैंडफादर हैं वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। रियल में कौन है, अपोज के ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर क्या है, रानीज ग्रैंडफादर लुक्स ओल्डेस्ट टू मी, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अपोज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। यहाँ पूछा गया है, हाउ मच ओल्डर, जो अपोज के ग्रैंडफादर है रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्डर हैं, कितने मतलब बड़े हैं, ठीक है ना, उनकी उम्र कितनी ज्यादा है अप्पू के ग्रैंडफादर की, रानी के ग्रैंडफादर की। तो अप्पू की ग्रैंडफादर कितनी है, 95 ईयर्स, और रानी के ग्रैंडफादर कितनी है, 70। तो क्या करेंगे, 95 में 70 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो अप्पूज ग्रैंड फादर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन रानीज ग्रैंड फादर। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, अपूज ग्रैंड फादर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन रानीज ग्रैंड फादर। 25 कैसे आया, ये 95 से क्या करना है, 70 को माइनस कर देना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। नेक्स्ट है, विल चूचूज ग्रैंड फादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंड फादर। यहाँ पे पूछा गया है, क्या जो चूचूज के, ठीक है ना, जो रेड के ग्रैंड, चूचू रेड्स के ग्रैंड फादर हैं, एवर ग्रो एज ओल्ड अपूज ग्रैंड फादर, क्या ऐसा हो सकता है कि जितने इतने बड़े हो सकते हैं जितने कि अप्पू के ग्रैंड फादर हैं। तो चूज ग्रैंड फादर विल नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अपूज ग्रैंड फादर, ठीक है ना, ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रैट्स की लाइफ होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा नेवर, ठीक है ना, नो, ठीक है ना। इसका आंसर कैसे लिखना है मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो इसका आंसर लिखा है, चूज ग्रैंड फादर विल नेवर ग्रो एज ओल्ड एज अपोज ग्रैंड फादर, ठीक है, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मच यंगर इज चुचूज रेड्स ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर। जो चुचूज रेड है, ठीक है ना, उसके ग्रैंड फादर रानी ग्रैंड फादर से कितने छोटे हैं, मतलब कितने यंगर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रानी के ग्रैंड फादर 70 ईयर्स, चुचूज के जो रेड्स के ग्रैंड फादर 2 ईयर्स, तो 70 माइनस 2 करेंगे, 70 में कितना माइनस करेंगे, 2, तो कितना आ जाएगा, 68। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चूज रेड्स ग्रैंड फादर इज 68 ईयर्स यंगर देन रानीज ग्रैंड फादर, ठीक है ना। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो ये मैंने आंसर लिख दिया, चूज रेड्स ग्रैंड फादर इज 68 ईयर्स, 70 माइनस 2, ठीक है ना, यंगर देन रानीज ग्रैंड फादर। तो इस तरीके इसका आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये तीनों के ये आपको ये आंसर ऐसे इस तरीके से लिखना है, और अगर आपको डिटेल में इनके आंसर लिखने हो तो मैं वो भी दिखाता हूँ। तो अगर आपको डिटेल में लिखनी हो तो जैसे ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंड फादर देन रानीज ग्रैंड फादर, तो एज ऑफ रानीज ग्रैंड फादर इज 70 ईयर्स, एज ऑफ एलिफेंट अपूज ग्रैंड फादर इज 95 ईयर्स, डिफरेंस दोनों में कितना है एजेस का, 95 माइनस 70, 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो अपूज ग्रैंड फादर इज 25 ईयर्स ओल्डर देन रानीज ग्रैंड फादर, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट वाला भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।